जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपकी ग्रहों की स्थिति आपके लिए क्या खास लेकर आई है वो बताती हूँ। जिंदगी में कुछ खास पाना चाहते हैं या कुछ खास करना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, आप बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराकर उपाय कर सकते हैं और छोटे छोटे उपायों से आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए मई का मंथ, मे मंथ क्या खास लेकर आया है। देखिए, मकर राशि की अगर मैं बात करूँ तो शनि के ग्रह दशा के कारण पैसों के आने जाने की रफ्तार आपके लिए थोड़ी कम हो सकती है। इसी के साथ विस्तार ग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर के स्वामी के रूप में चौथे घर में मौजूद है, जिसके प्रभाव से ज़्यादा पैसा बचाना शायद आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। आपकी बचत बाहर निकल कर आ सकती है, तो ये समय थोड़ा सा ना आपके लिए खर्चों भरा रहने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको अनचाहे खर्चे कुछ ज़्यादा ही करने पड़ जाए। शनि देव क्योंकि दूसरे घर में होंगे और केतु दसवें घर में होंगे, तो शनि के दूसरे घर में होने से ये दिखता है कि ये शनि की साढ़े साती की आखिरी ढैया का, मैं कहूँगी आखिरी ढाई साल है। तो ऐसे में देखिए, ऐसा कहा गया है, कहते हैं कि शनिदेव जब जाते हैं तो बहुत कुछ दे के जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जब शनि की साढ़े साती या ढैया शुरू होती है ना, तो शनि आपको कुछ सिखाने के लिए आए हैं और आप उस पीरियड में सीख चुके होते हैं, इसीलिए शनि नहीं देते, आपके कर्मों से आप उसको पा लेते हैं। तो चौथे घर में राहु के होने से परिवार में कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, साथ ही आपके सुख सुविधा में भी कमी आने की यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। आप लोगों को अपनी माँ के स्वास्थ्य के कारण कुछ अधिक खर्चे करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर में किसी स्त्री की मेजर तबीयत खराब हो जाए, जिस वजह से पैसे आपके अननेसेसरी उनकी दवाइयों पे लग जाए, तो इससे घबराना नहीं है। पैसा तो कुछ नहीं, आने जाने हाथों की मैल है, आज जाएगा तो कल वापस भी आ जाएगा, बस कर्म प्रधान है, इस बात को ध्यान में रखिए। बस इन्हीं चीज़ों से आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, तो इनसे परेशान मत होइए। दूसरे घर में शनि के प्रभाव से आपको धन कमाने में अधिक जागरूक ये बनाएगा, लेकिन बनाएगा तब जब आप जागरूक बनेंगे। आप परेशानियों के बारे में सोचते रहेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आपके अधिक धन कमाने में प्रतिबंध भी लग सकता है। आपको सारी चीज़ों को सही से चलाने के लिए सिर्फ क्या करना है, एक बेहतर योजना की ज़रूरत है आपको, और कुछ नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, जो खर्चे ज़रूरी हैं उनको करिए, जो आपके थोड़े टाइम के लिए पैसा आप लग्जरी पे खर्च करना चाहते हैं उसको रोक दीजिए, क्योंकि आपके चौथे घर में राहु के होने से आपको खुद को भी थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ होंगे, पेट से जुड़ी परेशानियाँ हो सकती हैं आपको, और इसी के साथ आपको कम भूख लगने की भी शिकायत हो सकती है। आप खाना नहीं खाएंगे तो काम कैसे चलेगा? मशीन में अगर फ्यूल नहीं पड़ता तो मशीन काम नहीं करती है। वैसे ही शरीर को अगर भोजन नहीं मिलेगा, आपका एनर्जी लेवल कम होगा, आपका काम करने का मन नहीं करेगा। 10 दिन में अगर एक अच्छा आपके पास कोई बिजनेस के लिए क्लाइंट आ भी गया और आपका काम करने का मन नहीं करेगा, तो आपका क्लाइंट आपने खुद खराब कर लिया। इसलिए सेहत का ध्यान रखिए। आपके 10th हाउस में दसवें घर में केतु के होने से आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, और आपके अंदर उसे लेकर और ज़्यादा रुचि भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले आप इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब हालात ऐसे बनेंगे कि आपका मन करेगा कि आप किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाएं। ये बहुत ही अच्छा है। परिवार में वैसे भी संपत्ति से जुड़े कुछ वाद विवाद पुराने उठ सकते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी, तो आप परेशान मत होइएगा, पहले भी तो ऐसा हो चुका है ना। शुक्र के दसवें घर में अनुकूल स्थिति में होने के कारण आप लोगों के सभी के लिए एक बात कहूँगी कि शुक्र का यहाँ होना, यानी कि शनि के घर में शुक्र का होना,
आपको जॉब में करियर में संतुष्टि जरूर दिलाएगा, इसलिए परेशान नहीं होना, बस अपने आलस को त्यागना है। आपके करियर के लिए शुक्र की स्थिति काफ़ी अनुकूल रहने वाली है, क्योंकि शुक्र शनि आपस में मित्र ग्रह हैं। तो चौथे घर के जो स्वामी के रूप में मंगल आठवें घर में मौजूद हैं, जिसके प्रभाव से आपको अपनी माँ की सेहत के लिए, बस मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान रखना है। माँ से रिश्ते अच्छे बना के चलने हैं, क्योंकि माँ से रिश्ते बिगाड़ना मतलब चंद्रमा ग्रह खराब करना, और चंद्रमा ग्रह खराब करना यानी कि मन की शांति खुद ही खराब करना, नींद खराब हो जाएगी, नींद का प्रॉब्लम होगा। तो बस माँ से रिश्ते अपने अच्छे बनाकर चलिए, माँ समान स्त्रियों से रिश्ते मत बिगाड़िए। मंगल सातवें घर में स्थित हैं, जिसके प्रभाव से आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में परेशानी का थोड़ा बहुत सामना करना ज़रूर पड़ेगा। आपको बिना किसी बात पर विवाद, गलतफहमी, बातचीत की कमी, या फिर मैं कहूँ आपका ईगो, अहंकार जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब जब ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि आपने अपने जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करेंगे तो चीज़ें आप अपने लिए खुद बिगाड़ लेंगे। तो इसलिए लड़ाई झगड़ा आपको अवॉइड करना है। बाकी कार्य की अगर बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो पीरियड आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। आप आराम से काम करते रहिए, अपनी क्लैरिटी अपने माइंड में रखिए, आपको क्या चाहिए और उसको करते रहिए, गुस्से को अवॉइड करिए, ईगो को छोड़ दीजिए। अब उपाय के तौर पर बताती हूँ उपाय क्या करना है आपको। उपाय के तौर पर आप ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ओम नमः शिवाय का रोज़ाना जाप करिए। आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, नहीं तो पास के मंदिर में जाकर सुबह के समय जाइए, अगर समय है तो पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराइए। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा समय नहीं है, तो ऑफिस जाते टाइम भी आप टाइम निकाल कर जाना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ वहाँ जाकर बैठ कर हाथों को जोड़कर 108 बार ओम नमः शिवाय का पाठ कर लीजिए। बस इतना आप इस महीने करके देखिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी काफ़ी सारी परेशानियाँ कब आई, कब चली गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। बस वो कहते हैं ना कि जब आप परेशान होते हैं तो आपको किसी ऐसी शक्ति के साथ कनेक्ट होना पड़ता है, जो परेशानियाँ आपको नहीं दिख रही लेकिन उन्हें पहले से दिख रही है, तो उन्हें सॉल्यूशन भी पता होगा। तो बस ये बात समझ लीजिए, अपने ईगो को साइड में रखिए, बड़े बुजुर्गों के साथ अपने रिश्तों को मधुर करिए, अपने ईष्ट की आप पूजा ज़रूर करिए, लेकिन इस महीने आप भोलेनाथ का पूजन ज़रूर करें, ये आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लेकर आऊँगी ऐसी ही बहुत सारी खास अनोखी जानकारियाँ, और भी जो राशिफल बचे हैं उन सभी के लिए। बस आप लोग अपने अपने राशिफल को देखिए और उसके अनुसार उपाय करिए, एंड ट्रस्ट मी, मई का मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। जय माता दी।